सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय की लगातार यहाँ हम जम के तैयारी कर रहे हैं और आपका फर्स्ट मॉडल पेपर मैं करा चुका हूँ, ये आपका दूसरा मॉडल पेपर है। यहाँ पे ऐसा ही प्रश्न आपके परीक्षा में बिल्कुल आएगा, डिट्टो यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे परीक्षा में। तीन मॉडल पेपर मैं करा रहा हूँ, तीनों करके जाइएगा और डेफिनेटली आपका 75% कम से कम प्रश्न जो है वह आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि कम से कम 20 नंबर का प्रश्न आप समझ लीजिए कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में सभी में शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक यह मॉडल पेपर दूसरा भी पहुंच जाए। पहला तो आपने शेयर किया ही। अब आपके मैथ की तैयारी के लिए राजन सीरीज, पवन सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं पहले ही सब कुछ सॉल्व करा चुका हूँ। पूरा राजन सीरीज, पूरा पवन सीरीज, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब और सिलेबस तो मैंने पहले पढ़ाया ही है। तो आपके पास अब तो समय कम है, इसके लिए यहाँ पे आप प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ए एक काम का एक चौथाई भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है, तो वह पूरा काम समाप्त करेगा कितने दिनों में। अब देखिए मान लेते हैं ये एक पूरा काम है आपका और इसको 4 भागों में बांट दीजिए, तो ए जो काम कर रहा है एक चौथाई का मतलब क्या होता है, 4 भाग में से एक भाग, इस एक भाग को 5 दिनों में कर रहा है, 5 डेज में कर रहा है, तो ये दूसरे भाग को भी करने में 5 डेज लेगा, तीसरे को भी, चौथे को भी 5 डेज लेगा, यानी कि कुल कितने दिन में काम पूरा समाप्त होगा, 20 दिनों में। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, ए जो है वह 20 दिनों में काम को पूरा समाप्त करेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, एक्स के घाते ऋण 6 भागा एक्स के घाते ऋण 7 का मान होगा। एक्स के घाते ऋण 6 में भाग करना है एक्स के घाते ऋण 7 से। अब देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, आधार दोनों जगह समान है, तो जो बटे में होता है वह ऊपर जाता है तो वो घट जाता है, यानी कि एक्स के घात में लिखेंगे ऋण 6 और ये ऊपर जाएगा तो क्या है, घटेगा, घटेगा कितना, -7 घटेगा इसमें से, -6 में से, यानी कि अब ब्रैकेट खोलिए तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -7 हो जाएगा और ये ऋण 6 -7 कितना हो जाएगा, -1, यानी कि एक्स के घाते -1, यहाँ पे धन का चिन्ह लगा लीजिए, तो एक्स के घाते -1 यहाँ पे ऑप्शन सी में आपको दिया गया है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, समुच्चय, ये एक समुच्चय है, के उप समुच्चय की कुल संख्या होगी। अब किसी भी समुच्चय में अगर एन पद है तो उसके समुच्चयों की जो संख्या होती है वह 2n होती है। ठीक है, किसी भी समुच्चय में अगर n पद हैं तो उसके उप समुच्चयों की जो संख्या होती है वह 2n होती है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ कितने पद हैं समुच्चय में, 3 पद हैं, तो 2n, यानी कि मान कितना आ गया, 8, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि वो 8 उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे तो यहाँ पे मैं लिख के आपके बता देता हूँ। पहला, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय जो पहला होता है वह होता है 5, मतलब कोई पद ना हो, ये एक ऐसा समुच्चय मिल जाएगा। अब आप देख लीजिए एक एक पद के समुच्चय बना लीजिए, एक एक पद के भी तो समुच्चय बन जाएंगे, तो 1 का 1 बना लीजिए, 2 का 1 हो सकता है, 3 का भी 1 समुच्चय जो होगा वह ये भी समुच्चय क्या होगा, इसका उप समुच्चय होगा। इसके साथ अब 2 पदों का बना लीजिए, तो 1, 2 और क्या बन सकता है, 2, 3 बन सकता है और 3, 1 बन सकता है, और इसके साथ ये खुद भी अपना उप समुच्चय होगा। तो इस तरीके से देखिए 1, 3, 4 और 3, 7, 1, 8 कुल 8 समुच्चय इस तरीके से ये होंगे, ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, 0.521 गुणे 0.521 माइनस 0.479 गुणे 0.479 और बटे 0.521 माइनस
0.479। अब यहाँ पे तीन अंक के दशमलव का गुणा तीन अंक में हो रहा है, फिर घट रहा है, फिर तीन अंक के दशमलव का गुणा तीन अंक के दशमलव में हो रहा है। अब यहाँ नीचे हर में तीन अंक का दशमलव घट रहा है, में से घट रहा है तीन अंक का दशमलव। अब यहाँ पे आप गुणा करके इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे आप देखिए कि ये पद यहाँ है, यहाँ है और यहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ भी है, तो कुछ यहाँ पे संबंध कुछ ना कुछ ट्रिक से सॉल्व होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो जहां पे ये दो बार गुणा है वहां पे स्क्वायर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0.521 का स्क्वायर माइनस 0.479 का स्क्वायर और बटे 0.521 माइनस 0.479, ब्रैकेट लगा दीजिए यहां भी। अब ऊपर देखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। फॉर्मूला सर्वसमिका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तब यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में 0.521 धन 0.479 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 0.521 माइनस 0.479 और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 0.521 माइनस 0.479। अब ये देखिए ये जो घटाने वाला पद है, देखिए नीचे भी आ रहा है ऊपर अंश में भी आ रहा है और दोनों अंश में गुणे में है तो काट सकते हैं, ऊपर नीचे कट जाएगा और इसको आप जोड़ोगे तो 9 और 1 शून्य, एक हासिल लगेगा, 7 2 9 एक 10 हो जाएगा और एक फिर हासिल लग जाएगा, 5 और 4 9 एक 10 हो जाएगा और 1.0 ये आ जाएगा, 1.000 इसका मान आ जाएगा, यानी कि यह 1 के बराबर हो जाएगा। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ऑप्शन ए जो हो जाएगा 1 यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 है और उसका माध्य 9 हो तो प्रेक्षणों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योगफल, योगफल प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये होता है। अब माध्य हमको दिया गया है, यहाँ पे माध्य हमारा प्रेक्षणों की संख्या 13 है और उसका माध्य 9, यहाँ पे ये 9 और योगफल हमको नहीं दिया गया है, योगफल पूछ रहा है। प्रेक्षणों की संख्या हमको कितना दिया गया है, यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या 13 है। अब योगफल बराबर क्या हो जाएगा, ये 13 इधर आएगा गुणा हो जाएगा 9 में, तो योगफल बराबर लिख सकते हैं 13 गुणे 9, अब वैल्यू कितनी आ जाएगी 117, ऑप्शन डी में दिया गया है 117, ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं, जोड़ लीजिएगा कितने अंक आप कर पा रहे हैं। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों, देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न संख्या 6 है, 7050 रुपए को 1/5 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/3 के अनुपात में बांटिए। अब यहीं पे अगर लिखा होता 2/3/4 के अनुपात में बांटिए तो आप क्या करते हैं, अनुपातों को जोड़ लेते, ठीक है, और उसके बाद अनुपातिक योग ले लेते, मतलब इस तरीके से दिया रहता तो आपके लिए आसान रहता, ठीक है। इसके आगे जो लोग सॉल्व करना जान रहे हैं उनको आसान लग रहा होगा, लेकिन अब यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है तो सबसे पहले इस अनुपात को इस फॉर्म में आपको बनाना है, समझ रहे हैं कि ये जो बटे वाला खेल है वह समाप्त हो जाए। अब इसको हम कैसे समाप्त करेंगे, हम क्या करेंगे 5/4, जैसे 1/5 है, 1/4 है और 1/3 है, इनका हम क्या कर लेंगे, लासा ले लेंगे। इनका लासा क्यों ले रहे हैं, देखिए अब कहीं पे अगर लिखा रहता है 2/1 तो इसको हम कितना 4/2 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर ये अनुपात में लिखे हैं तो इस अनुपात में अगर हम किसी संख्या से गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो हम संख्या खोज रहे हैं कि कौन सी गुणा करें जिससे जो संख्या 5 से भी कट जाए, 4 से भी और 3 से भी। तो ये तीनों ही अभाज्य संख्या यहाँ पे आपस में दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे इनका लासा आप ले लीजिए, तो इनका लासा जो आपको मिल जाएगा
या 60 मिल जाएगा, ठीक है। इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, ये आपका लालसा कितना आ गया, 60 आ गया। अब 60 से गुणा कर दीजिए, अब 1/5 में 60 से गुणा होगा, 60 में देखिए सबके ऊपर 60 लिख दीजिए, 60 से गुणा होने के बाद ये कितने हो जाएंगे, 60/4 और 60/3। अब ये 5 से भाग करिए तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 20। यानी कि ये अनुपात कितना हो गया, 12:15:20। अब इनका अनुपातिक योग ले लीजिए, वही मैं कह रहा था कि आपको इस फॉर्म में हम बना लेंगे, इस फॉर्म में देखिए आ गया। अब अनुपातिक योग लेंगे तो ये 12:15:20 करेंगे, जो कि कितना हो जाएगा, 12 और 15 27 और 20 47। अब यहाँ पे अनुपाती योग हम ले लेंगे, अनुपाती योग लेंगे तो 12, 15 और 20 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। अब इस 47 से हम क्या करेंगे, इसी 47 से हमको इसको निकालना है कि हम 7050 को कितने कितने भागों में बांट सकते हैं। देखिए पहले भाग के बारे में अगर हम लिखें, पहला भाग जो हो जाएगा हमारा वह कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब ये देखिए कितना है, 12 और अनुपातिक योग कितना है, अनुपातिक योग है 47 × 70 50। अब ये पहला भाग हमने लिखा, कैसे लिखा, देखिए यहाँ पे जो हमने अनुपात, इस अनुपात को हमने इस अनुपात में कन्वर्ट कर लिया, इस अनुपात को इतना भी लिख सकते हैं। अब ये 12 जो होगा, अब हमको देखना है कि कैसे हम कितना भाग इसका है ये, ठीक है। अगर इन्हीं सब में बांटेंगे, ठीक है, तो जोड़ करके 47 आया। अब 47 में से इस भाग को 12 मिलना चाहिए, तो 47 में से 12 हमने दे दिया, और किसका देना है हमको, 7050 का, तो 7050 का गुणा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 47 तो किसी से कटता नहीं है, अब 47 से इसको हम देखते हैं, ट्राई करते हैं कि कटता है कि नहीं। अब देखिए 47 दहाई कितना होता है, 470 होता है, और अगर 47 पंद्रहियम हम सोचे तो कितना हो जाएगा, ये 270 का आधा कितना, 235, ये कितना हो जाता है, 5 0617 705। तो ये 47 × 15 705, ये देखिए 15 बार में कटा और ये शून्य और बचा हुआ है, तो 12 × 150। अब गुणा कर लीजिए, 12 देखिए एक शून्य है, फिर 12 × 25 60 के शून्य, हासिल लगा 6 12 12 और 6 18 1800 आपका पहला भाग आ गया। इसके बाद देखिए दूसरा भाग, ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 15 है और बटे 47 गुणे फिर से वही संख्या 70 50, 7050, फिर 47 से काटेंगे तो 150 बार में पूरा कट जा रहा है। अब इसके बाद देखिए 15 का गुणा 150 में हो जाएगा, तो 15 × 5 75, हासिल लगा 7, 15 × 9 15 और 7 22, तो ये कितना आ गया, 2250। इसी तरीके से तीसरा भाग अगर हम निकालें, तीसरा भाग तो कितना आ जाएगा, तीसरा भाग जो आ जाएगा वह आ जाएगा, ये कितना है, 20 20/47 × 70 50, तो ये हो जाएगा 20 × 150 कितना आ जाएगा, 3000। यानी कि इसका मान जो आ जाएगा 3000, यानी कि जो आपका पहला भाग 1800, दूसरा 2250, तीसरा 3000। तो इस तरीके से ये आपको टोटल इसका आपका अनुपात में आपको बांटना था, ठीक है, इस अनुपात में आपको बांटना था, तो आपने बांट दिया कितना, 1800 2250 और 3000, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया एक नंबर के हिसाब से, लेकिन ये इसी तरीके से किया जाएगा, हो सकता है ये दो नंबर में पूछ ले। बस ये मुझे आपका डर खत्म करना था कि अगर इस फॉर्म में दे दे, बटे में दे दे अनुपात, तो आप सही करके आइए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, यदि log 2^x + 4 2^x^4 / a बराबर log 256 / a, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए कितना दिया है, log 2^x^4
बेस ए बराबर लॉग 256 बेस ए। अब यहां पे देखिए कि दोनों जगह लॉग का बेस जो है वह ए है, ठीक, और बराबर दिखाया गया है, और यहां पे 2 के घात में कुछ है और यहां 256 है। अब इसको समझिए कि कैसे हम लिख सकते हैं इसको, लॉग 2 के घाते x^4 बेस ए बराबर लॉग, अब देखिए 256 को कितना लिख सकते हैं, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128 × 256, तो ये कितना हो जाता है 2 के घाते 8 बेस ए, ठीक। अब देखिए दोनों तरफ लॉग बेस ए है तो एंटी लॉग अगर हम लेते हैं तो लॉग दोनों तरफ से हट जाएगा और ये हो जाएगा 2 के घाते x^4 बराबर 2 के घाते 8। और अब हमने नियम पढ़ा है घातांक में कि आधार अगर समान है, बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, तो घातें क्या होती हैं, समान होती हैं, यानी कि x^4 बराबर होगा 8 के, और x बराबर कितना हो जाएगा 8 − 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। यही आपसे पूछ रहा था x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। अब इसके बाद देखिए संख्या 8 है, यदि a बराबर x such that x is element of n and x is greater than and equal to 3 and smaller than or equal to 6। अब इसका मतलब समझिए, आप कह रहा है कि a एक सेट है, एक समुच्चय है जिसमें x जो है वह उसका एलिमेंट है, और x के बारे में क्या है बताया है, x ऐसा है कि x प्राकृतिक संख्या है, x क्या है प्राकृतिक संख्या है, और x के बारे में क्या बता दिया कि x जो है वह 3 से बड़ा और 3 के बराबर है और 6 से छोटा और 6 के बराबर है। यानी कि आपका अगर हम लिखना चाहें इस समुच्चय को तो कितना लिखेंगे, देखिए x जो है वह प्राकृतिक संख्या है और 3 के बराबर है और 3 से बड़ा है, 3 के बराबर यानी कि 3 भी हो सकता है, यहाँ पे क्यों ऐसा साइन लगा है, देखिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मतलब कि बड़ा तो होगा लेकिन बराबर भी हो सकता है, तो 3 भी होगा, इसके बाद 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 से छोटा या 6 के बराबर, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 6 के भी बराबर हो जाएगा। अब 6 से छोटा ही रहेगा, 7 नहीं हो सकता है, ठीक, तो यहाँ पे देखिए स्मॉलर देन एंड इक्वल टू का साइन लगा है, तो ये हमारा ए हो जाएगा। और b के बारे में देखिए क्या कहा गया है, b क्या है हमारा, b के जो एलिमेंट्स हैं वो भी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, n क्या दिखाता है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, लेकिन b के बारे में कहा गया है कि ये 5 से छोटा है, ठीक। तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, गिनती की संख्याएं 1, 2, 3, 4। अब देखिए 5 से छोटा और यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, मतलब 5 को इंक्लूड नहीं कर सकते, 5 को नहीं लिख सकते, 5 से छोटा ही रहेगा, 5 भी नहीं रहेगा, 5 अगर यहीं पे ये चिन्ह होता बराबर वाला, ये वाला, तब हम 5 को लिखते। अब आपसे क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए, ये ए इंटरसेक्शन का चिन्ह है, मतलब कि दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है, क्या B में 3 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो 3 यहाँ लिखा जाएगा। अब देखिए A में 4 आ रहा है, क्या B में 4 आ रहा है, हाँ आ रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ 5 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ 1, 2 आ रहे हैं, यहाँ 1, 2 नहीं आ रहे हैं, तो जो कॉमन जो दोनों जगह उपस्थित एलिमेंट्स हैं वह 3 और 4, तो इसीलिए A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा 3, 4। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 9 है, x²-24x-25 का गुणनखंड कीजिए, तो x²-24x-25, अब इसको कितना लिख सकते हैं, x²-25x + x-25, ये लिखा जा सकता है। देखिए -24 को हम -25x + x भी लिख सकते हैं, ठीक, तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया। अब देखिए पहले में दोनों पदों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x² की जगह बच जाएगा x, और
माइनस पच्चीस एक्स की जगह माइनस पच्चीस बचेगा। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा एक्स माइनस पच्चीस, और एक्स माइनस पच्चीस देखिए दोनों जगह है, एक्स माइनस पच्चीस दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचा है एक्स और यहाँ प्लस वन, तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस पच्चीस, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वन, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, आसानी से आप कर लोगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, छह मित्रों का भार क्रमशः 40, 44, 46, 47, 43 और 50 किलोग्राम है, उनके भारों की माध्यिका बताइए। अब माध्यिका निकालने के लिए पहला स्टेप, जितने भी आंकड़े दिए रहते हैं उनको आपको एक क्रम में लगाना होता है, चाहे बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में हम लगा लेते हैं, सबसे कम वेट का कौन है यहाँ पे, देखिये 40 किलोग्राम सबसे कम है, इसके बाद 40 के बाद 43 किलोग्राम, 43 के बाद आप देखिए 44 है, फिर 46 है, फिर 47 है, इसके बाद 50 है। ये छह मित्रों का भार है, एक 40, एक 43, एक 44, एक 46, एक 47, एक 50। अब n की जो संख्या है, कितने आंकड़े यहाँ दिए गए हैं, छह मित्रों का भार दिया गया है, छह आंकड़े दिए गए हैं जो कि एक सम संख्या है, ठीक। अब यहाँ पे माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगेगा, माध्यिका का जो फॉर्मूला लगेगा सम, माध्यिका के दो सूत्र होते हैं, एक विषम वाला सूत्र होता है, एक सम वाला, सम के कंडीशन में अलग फॉर्मूला, विषम के कंडीशन में अलग फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा एन बाई दो वे पद का मान प्लस एन बाई टू प्लस वन वे पद का मान, और बटे भाग, दो से भाग हो जाता है, यही आपका फॉर्मूला है। एन की वैल्यू है छह, छह बटे दो यानी कि तीनवें पद का मान, तीनवें पद का मान, और धन ये एन बटे दो धन एक यानी कि तीन धन एक चारवें पद का मान बटे दो। अब तीसरे पद का मान कहां आप देखेंगे, इसमें मत देखने लगिएगा, यहां पे देखेंगे, जो आपने क्रम से लगाया है उसी में देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा पद, ठीक। तो 44 और 46 को आपको जोड़ देना है, तीसरे पद का मान 44 और चौथे पद का मान 46 और बटे दो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे आप तो 90 आ जाएगा, 90 का आधा करेंगे तो 45 आ जाएगा, यानी कि उनके भारों की जो माध्यिका हो जाएगी इन दोनों बीच वाले पदों का औसत हो जाएगा 45 किलोग्राम, जो है यह आपकी माध्यिका आ जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए शंकु का आप यहाँ पे फिगर में बना देता हूं आपके लिए, ये आपका इस तरीके से जोकर की टोपी जो हो गया, ये आपका शंकु हो गया, और इसमें ये क्या होता है, जो नीचे वृत्त होता है ये केंद्र होता है केंद्र से, और ये जो आपका ए बिंदु है जो इसका कोण होता है जहां सभी शीर्ष मिलते हैं वहां तक की दूरी क्या हाइट एच होती है, और ये ओ अगर इसको बोला जाए बी तो ये आर आपकी त्रिज्या होती है, और ये तिरछी ऊंचाई ए बी जो होती है तिरछी ऊंचाई एल होती है। अब यहाँ पे तिरछी ऊंचाई आपको दिया है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दिया है एच बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, और शंकु के आधार का त्रिज्या आर आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, आप लिख दोगे त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में आप देखोगे कि ये क्या है, ये ऊंचाई है तो ये 90 अंश का कोण होगा, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई जो है लंबवत है, ये लंब वृत्तीय शंकु होता है, ये 90 अंश का होता है, और यहाँ पे अब पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हैं, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है तो कर्ण का वर्ग जो होता है यानी कि एल का जो स्क्वायर होगा बाकी दोनों आधार का वर्ग और धन लंब का वर्ग इसके बराबर होगा, एल का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, आर का स्क्वायर हमको पता लगाना है, और यहाँ पे एच का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9 16, और आर बराबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 4। वैल्यू कितनी आ गई, ये जो त्रिज्या आ जाएगी वह 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से त्रिज्या आप निकाल लोगे, और इस तरीके से आपका इस पे प्रश्न बनता ही बनता है, ये दोनों दे देगा ये नहीं देगा, इन तीन में से कोई दो दे देगा और एक आपको निकाल करके कहीं ना कहीं मान लेते हैं
क्योंकि इसका वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वह पाई आर एल होता है, वहां पे एल का इस्तेमाल होता है, तो कई बार एल नहीं दिया होता तो एल निकालना पड़ता है। ठीक, ये दोनों दिया रहता है आर और एच, तो ये इस तरीके का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके समाप्त हो गए यहाँ पे, इसके बाद हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। देखिए प्रश्न क्या 12 है, किसी सेना के पास 450 सैनिकों के लिए 16 सप्ताह का भोजन था, 6 सप्ताह बाद 50 सैनिक और आ गए, अब भोजन कितने सप्ताह चलेगा। अब समझिए कि किसी सेना में 450 सैनिक के लिए 16 सप्ताह का भोजन था, 450 हमारे पास सैनिक है, 16 सप्ताह का भोजन है। अब क्या हो रहा है कि 6 सप्ताह बाद जो है वह 50 सैनिक और आ गए हैं, 50 सैनिक और आ गए हैं, अब भोजन कितने सप्ताह चलेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। 6 सप्ताह बाद 50 सैनिक आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब ये समझिए कि 6 सप्ताह बाद की स्थिति आप समझिए, ठीक, 6 सप्ताह बाद, 6 सप्ताह बाद क्या होगा आप समझिए, सैनिक और सप्ताह लिख दीजिए। अब देखिए 6 सप्ताह बाद की अगर आप स्थिति सोचें तो 450 सैनिकों का, पहले हमारे पास 16 सप्ताह का भोजन था, अब कितने सप्ताह का भोजन रह गया है, 450 सैनिकों के लिए हमारे पास 10 सप्ताह का भोजन रह गया, क्यों, 6 सप्ताह जो है 450 सैनिक को हम भोजन करा चुके हैं, तो अब 6 सप्ताह बाद जो स्थिति है 450 सैनिकों के लिए 10 सप्ताह का भोजन हमारे पास है, लेकिन अब हो क्या रहा है, देखिए 6 सप्ताह बाद 50 सैनिक और आ गए, 50 सैनिक और आ जाएंगे तो यहाँ कितने सैनिक हो जाएंगे, 450 धन 50, 500 सैनिक, 500 सैनिक हो गए, तो अब मान लेते हैं कि x सप्ताह तक भोजन चलेगा। ठीक, अब जब सैनिकों की संख्या जो है वह बढ़ जाएगी तो भोजन कम समय तक चलेगा, यानी कि यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात है, तो यहाँ पे अगर तीर एक तो हम इस दिशा में लगाते हैं और ये वाला कैसे लगेगा, अपोजिट दिशा में लगेगा, क्योंकि प्रतिलोम समानुपात है, जब सैनिकों की संख्या बढ़ेगी तो सप्ताह क्या है घटेगा। ठीक, तो इस तरीके से तीर अगर ये इधर लगा रहे हैं तो इधर लगाएंगे, अब यहाँ पे लिख लीजिए, इसी को हम बटे के रूप में लिखते हैं, 450 बटे 500, और ये तीर जिधर से जा रहा है उधर से लिखते हैं, तो पहले x को अंश में लिखेंगे और बटे 10। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो तिरियक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, x में गुणा हो जाएगा 500 का, तो 500 गुणे x और 450 गुणे 10, फिर x बराबर हो जाएगा 450 गुणे 10 बटे 500। देखिए शून्य से शून्य कटा, 5 से 45 को काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, यानी कि अब भोजन कितना चलेगा, 9 सप्ताह तक चलेगा, भोजन अब कितने सप्ताह चलेगा, 9 सप्ताह चलेगा। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से यहाँ पे हमने कर लिया, बस इसमें आपको नहीं फंसना था कि 450 सैनिक का 16 सप्ताह का भोजन है हमारे पास, हमको जो स्थिति अब जो हमारे सामने आई है 6 सप्ताह बाद उसके बारे में सोचना है, 6 सप्ताह बाद हमारे पास 450 सैनिक है तो 10 सप्ताह का भोजन है, अगर 500 सैनिक हो जाएंगे तो मान लेते हैं x सप्ताह का भोजन रहेगा, उसी पे हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 13 है, यदि एक नगर की जनसंख्या 2.5 लाख है, प्रदूषण के कारण जनसंख्या में 5% प्रतिवर्ष कमी हो रही है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी रह जाएगी, 2 वर्ष बाद कितनी रह जाएगी, ये आप समझिए इस तरीके से है, जैसे हम क्या निकालते हैं, जैसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालते हैं कि एक धन हमको मूलधन दिया रहता है और उसके बाद कुछ दर से वो धन बढ़ रहा होता है और इतने समय में वर्ष दिया रहता है 2 वर्ष 3 वर्ष में कितना धन हो जाएगा, तो मिश्र धन ए बराबर हम फॉर्मूला लगाते हैं, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस r/100 to the power t, लेकिन यहाँ धन क्या होता है, हमारा मूलधन जो है वह बढ़ रहा होता है क्योंकि हमको ब्याज मिल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जनसंख्या में कमी आ रही है,
जब कमी आएगा तो हमारा जो मूल धन है, ये जो एक है, इसमें से घटेगा, इस एक में कुछ जुड़ेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये जो धन का चिन्ह आप देख पा रहे हैं, यह माइनस का चिन्ह हो जाएगा। जब जनसंख्या में कमी आएगी तो आपका यह फॉर्मूला लगेगा। जनसंख्या वृद्धि में आपने धन का फॉर्मूला लगाया, वो सही है। जब आपको ब्याज मिल रहा है तो जुड़ रहा है, इस एक में आपका जब कुछ जुड़ के मिलेगा तो तब आपको मिश्र धन बढ़ के मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जनसंख्या घट रहा है तो हमको मिश्र धन जो है वह घट के मिलेगा, घट के मिलना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में नेगेटिव आता है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये देखिए मूल धन जो है हमारा ये है 2.5 लाख, मतलब मूल जनसंख्या जो है हमारी वह 2.5 लाख है। और 1 माइनस आर हमारा कितना है, 5/100। और कितने वर्ष बाद पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद। ठीक, अब ये हो गया। अब देखिए ब्रैकेट हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो 5 से इसको काटेंगे, 20 बार में कट जाएगा, 5×5 और 5×100, 1/20 आ गया। अब हर समान कर लीजिए, हर समान करेंगे तो ये 20 का गुणा ऊपर होगा, 1 घटेगा, 19/20 हो जाएगा। और 19/20 के घाते 2 है, यानी कि 19/20 का 2 बार गुणा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसके बाद ये आपका हो गया 250, 2×2 = 4 और 19×19। अब गुणा कर लीजिए, देखिए 250 और 19 का गुणा 19 में करिए, बटे में है 4 अभी, 19 × 9 = 171 के 1 हासिल लगा 17, 19 और 17 कितना हो जाएगा, 36, 361 आ जाएगा। अब ये आपका हो गया, 4 से अगर 250 को काटें, 4 से तो 4×6 = 24 और 10 नहीं कटेगा, 2 से काटिए तो ये 2 हो जाएगा। और ये 1, 2 और 5 = 125, 125×361/2। अब फिर गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 361 में 125 का 5×5 5×6 = 30, 0 और 3 हासिल लग गया, 5×3 = 15 और 3×18। फिर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2×12 और 6×7, ये 1, 6 और 3 अब जोड़ लीजिए तो 5×2 = 10, 11 हासिल लगा, 1, 1×1 = 2 और 7, 9×6 = 15 के 5 हासिल लगा 1 और ये 4। ये आ गया हमारा 45,125, 45,125 ये आ रहा है 2/12। अब यहाँ पे देखिए कहीं गलती हुई है, गलती कहाँ हुई है, ये हमारा जो जनसंख्या है 2.5 लाख हमने रखा है 25,000, 10 जो है हमारा वह बढ़ेगा, 10 हमारा बढ़ जाएगा, ये 2500 होगा। ठीक है, जो 250 हमने काटा है ये 2500 कटेगा, 1250, 1250 आएगा और ये यहाँ 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, बस 10 की गलती हो रही थी। ये आ गया हमारा 4,51,250 और इसमें 2 से अगर हम भाग कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2×2 = 11 तो 5, फिर उसके बाद 1×6 फिर 2 और 5, 2,25,625, 2,25,625 ये जनसंख्या हो जाएगी 2 वर्ष बाद। ठीक है, 2,25,625 जो पूछ रहा है आपसे कि बाद जनसंख्या कितनी रह जाएगी, तो इतनी जनसंख्या रह जाएगी, 2,25,625 ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, दिया है log2 की वैल्यू इतनी होती है और log3 की वैल्यू इतनी होती है, तो 648 के घाते 5 में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 648 के घाते 5 का मतलब होता है 648 का 5 बार गुणा। अब 648 का 5 बार आप गुणा करने बैठोगे तो बहुत समय आपको लग जाएगा और कैलकुलेशन बहुत बढ़ी जाएगी। बस हमको मान नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है कि इसमें जो संख्या आएगी, इसका जो मान आएगा उसमें कितने अंक होंगे, ये हमको बताना है। मैं अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये हमने लॉग पढ़ा है और ये हम लॉग की मदद से भी
निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉग के माध्यम से ही सॉल्व करना है। अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो आपको लॉग से ही सॉल्व करना है। आप कैसे, जो संख्या आपको दिया है इसका आप लॉग ले लीजिए। ठीक है, लॉग 648 के घाते 5 लिखा हुआ है। अब लॉग में कोई संख्या है, उसके घात में 5 है, तो घात क्या होता है, आगे आ जाता है गुणे के रूप में। तो ये हो जाएगा 5 लॉग 648। ठीक, अब ये हो गया लॉग 648। अब 648 को क्या लिखा जा सकता है, आप देखिए 648 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 2 से काटेंगे तो 3, 2, 4, फिर 2 से काटेंगे तो 1, 6, 2, फिर 2 से काटेंगे तो 8 और 1, 81। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए तो ये हो गया आपका 2 और 21। 7 बार में कटेगा फिर 3 से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1, यानी कि 2 का 3 बार गुणा, 3 का 4 बार गुणा, हम कितना लिख सकते हैं इसको, 5 लॉग 648 को लिखा जा सकता है। 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 के घाते 3, और 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 के घाते 4, ये लिख दिया हमने। अब 5 लॉग, लॉग में a इंटू बी कितना होता है, लॉग में a इंटू बी लॉग a प्लस लॉग b होता है। ठीक, अगर लॉग में दो संख्याओं का a इंटू बी हो रहा है तो जोड़, ये जोड़ हो जाता है। ठीक, अब इसको कितना लिख सकते हैं, 5, ये देखिए 3 घात में है, लॉग के अंदर कोई संख्या पे घात है वो बाहर आ जाता है, 3 log 2 प्लस 4 log 3। अब देखिए यहाँ पे log 2 आपको दिख रहा है, यहाँ log 3 दिख रहा है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना होगा, देखिए 5 का गुणा सभी में है तो 5 को बाहर रखिए। इसके बाद देखिए 3 गुणे log 2, log 2 की वैल्यू कितनी है, 3 का गुणा होगा log 2 में 0.3013, फिर धन 4 log 3, 4 का गुणा हो रहा है log 3 में, log 3 की वैल्यू है 0.4771। ठीक है, 4 अंक तक हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए 5, 3 का गुणा करिए, देखिए 3 3 का 9, 3 1 3, 3 0 0 और 3 3 9, तो ये हो गया 0.9039, फिर धन 4 का गुणा करिए, 4 1 9 4, 4 7 28 के 8 हासिल लगा 2, 4 7 28 और 2 30 के 0 हासिल लगा 3, तो 4 6 16 3 19, और यहाँ पे 4 अंक पे दशमलव यानी कि 1.9084 हो गया। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 5 गुणे जोड़ेंगे, ये देखिए दशमलव का चौथा स्थान, दशमलव का चौथा स्थान जुड़ेगा, 9 4 13 हासिल लगा 1, 3 और 8 ये कितना हो जाएगा, 11 और 1 12 हासिल लगा 1, और 0 और 0 ये हो जाएगा और हासिल 1 हो जाएगा, और 9 9 18 हासिल लग जाएगा 1, और 1 पहले से तो ये हो जाएगा 2.8123। ठीक है, यही आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें 5 का गुणा कर लीजिए, 5 3 15 हासिल लगा 1, 5 2 10 1 11 हासिल लगा 1, 5 1 5 1 6, 5 8 40 के 0 हासिल लगा 4, 5 2 10 और 4 14, 14.0615 ये मान आ गया। और दशमलव से पहले संख्या कितनी है, 14 है। ठीक, तो यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, अंकों की संख्या ये बराबर होता है, यहाँ पे जो न्यूमेरिक पार्ट n होता है और प्लस 1, यहाँ पे न्यूमेरिक पार्ट ये कितना है, इंटीजर कितना है, ये 14 है, और धन 1 यानी कि 15, यानी कि इसमें जो अंकों की संख्या होगी वह कितनी होगी, 15 होगी। ठीक, तो 648 का 5 बार आप कैलकुलेटर में गुणा करिए, देखिए 15 अंक अगर लिखता है तो 15 अंक आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप आसानी से अब सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमको इसमें अंकों की संख्या निकालना था 648 के घाते 5 में, तो इसका हमने लॉग ले लिया, लॉग लेके इसकी वैल्यू निकाल ली, जो वैल्यू आई उसमें जितना इंटीजर पार्ट आया उसमें 1 जोड़ देंगे, तो वही यहाँ
जो संख्या आएगी गुणा करने पर उसमें अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 15 है। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 140 पाई वर्ग सेमी है तथा आधार का व्यास 20 सेमी है। बेलन का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बेलन का आपको वक्र पृष्ठ दिया है और बेलन की और बेलन का क्या दिया है आपको? व्यास दिया है। व्यास 20 सेंटीमीटर दिया है यानी कि त्रिज्या उसका आधा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर कितना है हमारा? आर हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बेलन का जो वक्र पृष्ठ हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला बेलन का होता है आधार का 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर इंटू एच यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई की वैल्यू मत रखिए क्योंकि वक्र पृष्ठ में आपको पाई दिया है। तो वक्र पृष्ठ 140 पाई, 2 पाई इंटू आर, आर कितना है? 10 है। और इंटू एच, एच हमको निकालना है, एच की वैल्यू निकाल लेंगे। एच बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो वैल्यूज यहाँ बटे में आ जाएंगी। 140 पाई बटे 2 का गुणा 10 में 20, और ये पाई, पाई से पाई कटेगा, 0 से 0, 2 से 14 काटेंगे, 7 बार में कट जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से ये आपका हो गया। बस आपको बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला अगर याद है तो आप वैल्यूज पुट कर लोगे, आसानी से आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 16 है। निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आयु दी गई है 11 वर्ष के 4 विद्यार्थी हैं, 12 के 3, 13 वर्ष के 5 विद्यार्थी, 14 वर्ष के 4 विद्यार्थी और 15 वर्ष के 4 विद्यार्थी। अब यहाँ पे अगर माध्यिका आपको निकालना है तो देखिए 11 को 4 बार इस तरीके से आंकड़े अगर लिखने हो तो इस तरीके से लिखे जाते। 11 4 बार लिखा होता, 12 3 बार लिखा होता, 13 5 बार लिखा होता। तो इस तरीके से जब इस तरीके से सारणी में आपको दिया होता है तो आप क्या करते हैं, एक नई सारणी और बना लेते हैं। आयु, फिर लिखेंगे आप विद्यार्थी, और इसके बाद आप लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का अब क्या कॉलम होता है, पहले इस कॉलम को समझ लीजिए। देखिए 11 वर्ष के 4 विद्यार्थी हैं, ठीक, तो ये 4 क्या है? विद्यार्थियों की संख्या है, इसी को कहते हैं बारंबारता। ठीक है, 11 आयु के 4 लोग हैं तो इसी को कहते हैं बारंबारता। ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, बारंबारता कितनी है? 4 है, मतलब 4 विद्यार्थी हैं इसके। अब संचयी बारंबारता क्या होती है? संचयी बारंबारता ये होती कि अभी तक हमारे पास कितने आंकड़े आ चुके हैं, कितने विद्यार्थी आ चुके हैं। तो देखिए 11 से शुरू हुआ, 4 विद्यार्थी आए, तो अभी तक कितने विद्यार्थी आ चुके हैं? 4 विद्यार्थी, क्योंकि इससे पहले कोई विद्यार्थी आए नहीं थे, अभी 4 विद्यार्थियों का आंकड़ा हमारे पास आया है। इसके बाद देखिए 12 वर्ष के 3 विद्यार्थी हैं, इनकी बारंबारता 3 है। अब संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी? 4 विद्यार्थी हमारे पास, 4 आंकड़े पहले से आ चुके हैं। अब 12 वर्ष के 3 आंकड़े और आ रहे हैं तो इस 4 में इस 3 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 और 3 7। अब हमारे पास 7 आंकड़े हमको मिल चुके हैं। इसके बाद देखिए 13 वर्ष के 5 विद्यार्थी हैं, 7 पहले से थे, 7 आंकड़े पहले से थे, 5 और आ गए, कितना हो गया? 7 5 12। अब 14 के 4 हैं तो 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। और इसके बाद 15 के 4 हैं तो कितना हो जाएगा? 20। कुल कितने? 20 आंकड़े हैं, यानी कि कुल 20 विद्यार्थियों का यहाँ पे आपका वजन कुल 20 विद्यार्थियों की आयु जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो ये भी 20 ही आएगा, ये आप जोड़ लीजिएगा। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? यहाँ पे हमको निकालना है माध्यिका। ठीक, देखिए माध्यिका में क्या हम देखते हैं कि कितने आंकड़े दिए गए हैं। तो यहाँ पे बारंबारता कितनी है? 20 है, यानी कि हमको 20 विद्यार्थियों के आंकड़े दिए गए हैं। 20 क्या होती है? सम संख्या होती है, 2 से कटती है, इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे माध्यिका का जो फॉर्मूला लगेगा वो सम वाला लगेगा। ठीक है, माध्यिका का सम वाला फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर हो जाता है n बटे 2वें पद का मान धन n बटे 2 धन 1, n बटे 2 धन 1 वे पद का मान और बटे 2। अब देखिए n की वैल्यू 20 है,
20 बटे 2 यानी कि 10वें पद का मान, और ये n बटे 2 यानी कि 10 धन 1 यानी कि 11वें पद का मान, और बटे 2 कितना आ जाएगा, 10वां पद कहां है? अब यहीं पे इस सारणी का प्रयोग होता है, 10वां पद कहां है आप देखिए, और 10वें पद के साथ साथ उस पद का मान हमको लिखना होता है, पद का मान, 10वें पद का मान यहां पे आएगा, ठीक है। अब समझिए कि 10वां पद कहां है, देखिए यहां संचयी बारंबारता में यहां 4 पद आ चुके थे, यहां 7 पद आ चुके थे, अब 7 पद के आने के बाद जो 8वां पद आया, 7वें के बाद 8वां पद कौन सा आया, ये देखिए 13 क्या, यहां पे देखिए 11 के 4 पद आए, फिर उसके बाद 12 के 3 पद आए, तो 7 तक जो हो गए, 4 के बाद 7 तक जो 5वां 6वां और 7वां आया वह 12 का पद आया, इसके बाद जो 8वां, जो आप देखोगे 8वां 9वां 10वां 11वां और खुद 12वां, ये 5 पद किसके हैं, ये 13 के पद हैं, ठीक है। इसका मान कितना है, 13, तो 10वां पद यहां आया किसमें, 13 का, तो 10वें पद का मान क्या हो गया, 13, और 11वां पद भी आप देखेंगे तो 11वां पद भी यही है, 10वां 11वां, जिसका मान क्या है, 13, ये रखना है हमको 13, और 13 धन 13 बटे 2 यानी 26 बटे 2 यानी कि 13 ही मान आ जाएगा इसका, तो हमारी माध्यिका क्या हो जाएगा, हमारा माध्यिका यही 13 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से माध्यिका आप इस केस में भी निकाल लोगे आसानी से, जो सारणी दी है उसके मदद से आपको एक नई सारणी संचयी बारंबारता के साथ बना लेनी है, फॉर्मूला लगा देना है, और जब आपको पद देखना है इस पद का मान क्या है तो आप देखिएगा इस संचयी बारंबारता से देखना, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है 4 पद यहां तक आ चुके थे, 7 पद यहां, इसके बाद 8वां 9वां 10वां 11वां और ये खुद 12वां पद 13 का आया है, तो यहाँ पे 10वें और 11वें पद का मान 13 रखाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी माध्यिका का, 13। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, अब पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है ये आपकी सर्वसमिका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग फॉर्म है, ठीक। अभी हम इसका गुणनखंड करते हैं तो दो पदों के रूप में इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, इसका नॉर्मल गुणनखंड हम क्या करते हैं, इसको बीच वाले पद को तोड़ते हैं, ये 4 पद हो जाते हैं, 2 पद में कॉमन ले लेते हैं, 2 पद में कॉमन ले लेते हैं, फिर जो सिमिलर कॉमन मिल जाता है, मतलब गुणनखंड इस तरीके से दो पदों में गुणे के रूप में आ जाता है। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि आप पहले ये जो 3 पद दिए हैं इनको आप होल स्क्वायर बनाओ, कैसे होल स्क्वायर बनेगा, इस फॉर्म में बनाओ, तो इस फॉर्म को कैसे, देखिए इस फॉर्म को हम क्या लिखते हैं, a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी सर्वसमिका होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमको कैसे करके इसी फॉर्म में लाना है, अब एक सर्वसमिका तो ये होती है हमारी, दूसरी क्या होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां माइनस आ रहा है तो हम माइनस वाला भी देख लेते हैं, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखिए बीच वाला पद नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव आ रहा है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको हम पहले बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए x स्क्वायर है माइनस 2 इंटू 8 में, 8 में से हमने 2 गुड़े के रूप में लिखा निकाल लिया, तो बचा क्या 4 और गुड़े x और गुड़े और धन 15, ये है हमारा। अब यहां पे देखिए x अगर a है, a का स्क्वायर a की जगह कितना है x है, और फिर माइनस 2 a की जगह कितना है, a की जगह तो x आ रहा है मान लेते हैं, और b की जगह कितना आ रहा है 4 आ रहा है, b की जगह 4 आ रहा है, और यहां b की वैल्यू अभी देखिए 15 है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स। अब सोचिए यहां हम कितना जोड़ दें कि ये 4 का स्क्वायर यहां आना चाहिए यानी कि 16 आना चाहिए, तो 15 में हम एक जोड़ देते हैं तो ये 16 हो जाएगा, और एक जोड़ रहे हैं तो एक घटा भी लेंगे, ठीक। तो अब ये हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू 15 एक 16, 16 16 को कितना लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 1,
अब समझिए कि इसको हम कितना लिख सकते हैं, ए की जगह हमारा एक्स है और बी की जगह चार है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर और ये हमारा माइनस वन। ठीक, इतना यहां तक आप पहुंच गए, लेकिन अभी दो पदों के घटाने के रूप में यह आया, अभी गुणनखंड हुआ नहीं। गुणनखंड तो तभी माना जाता है जब कुछ पद आपस में गुणे के रूप में लिखे हों। तो ये अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर और ये वन का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। अब एक सर्वसमिका हमारे पास और होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका एक ब्रैकेट में लिखा जाता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर की जगह कितना है एक्स माइनस फोर का स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह वन का स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू एक्स माइनस फोर है और बी की वैल्यू वन है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको यहीं से लिख दीजिए, इसको अब यहीं से हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, ए की जगह एक्स माइनस फोर है और बी की जगह वन है, तो ये कितना हो जाएगा, अब इसी को आगे लिख लीजिए तो एक्स माइनस फोर प्लस वन एक जुड़ जाएगा तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस थ्री हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस फाइव हो जाएगा। ये आपका गुणनखंड आ जाएगा, दो पद गुणे के रूप में आ गए और इसका नॉर्मली भी आप गुणनखंड करोगे तो भी यही आना चाहिए। ठीक है, तो भी यही आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने कैसे किया है, पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड किया है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में दिया था पहले आप इसको पूर्ण वर्ग बना लीजिए, तो यहाँ पे हमने पूर्ण वर्ग इसको बना लिया। ठीक है, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, पूर्ण वर्ग हो गया और उसके बाद गुणनखंड कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको लिखा है कि पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना है तो पूर्ण वर्ग बना करके ही कीजिएगा, आसान है करना, कोई कठिन नहीं है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 18 है, संलग्न चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ए ओ सी 130 अंश है, कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ए ओ सी 130 अंश है, ए बी सी का मान हमको निकालना है। देखिए यहां पे एक वृत्त आपको दिया गया है, केंद्र ओ दिया गया है और केंद्र ओ पे बना हुआ कोण जो है 130 अंश का है, 130 अंश का है। ठीक, और इस कोण का हमसे मान पूछ रहा है। अब यहाँ पे कोण ए ओ सी जो है, कोण ए ओ सी 130 अंश है, तो ये जो कोण होगा ये बाकी बचा हुआ कोण वृहत कोण जो होगा हमारा, जो बड़ा वाला कोण होगा, कोण ए ओ सी डैश इसको अगर हम बोल दें तो ये होगा 360 अंश माइनस 130 अंश, तो ये हो जाएगा 230 अंश। ये हमारा कोण कितना आ जाएगा, 230 अंश का आ जाएगा। ठीक, अब आपको पता है कि ये एक आप समझ लीजिए ए सी जीवा है ये, और इस जीवा के द्वारा ये ओ ओ सी जो 130 अंश का कोण है, इसके द्वारा अगर मान लेते हैं यहाँ परिधि पे कोई कोण बनता तो इस केंद्र पे बने कोण का ये आधा होता है। इसी तरीके से इधर वाला ये जो कोण है, इस कोण का आधा ये वाला कोण होगा, यानी कि कोण ए बी सी का जो मान होगा वह होगा हाफ ऑफ कोण ए ओ सी डैश। ठीक, अब हाफ ऑफ कोण ए ओ सी डैश 130 अंश, ये मान कितना आ जाएगा, ये मान आ जाएगा 115 अंश। इस कोण का मान कितना आ गया, 115 अंश। तो इस तरीके से यहां तक प्रश्न संख्या 18 तक आपने देख लिया, यहां तक आप सभी प्रश्नों को सही सही कर पाए होंगे उम्मीद है। कितने नंबर यहां तक आपके बन रहे हैं आप कमेंट करके तुरंत बता दीजिए। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसी तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको शेयर कर दीजिए मॉडल पेपर, इसी तरीके से सभी आपके जो सहपाठी हैं वह प्रैक्टिस करके जाएं, लास्ट समय में इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, ये प्रश्न बनेंगे, यही प्रश्न आएंगे तो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर दे भी देता है, हेर फेर कर देता है, तो आप अच्छे से प्रश्न को कर लोगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि बहुत पसंद आई होगी यह क्लास आपको, कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।
और एक क्लास और बचती है वो भी जरूर देख के जाइएगा, वो क्लास कल आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप बने रहिए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में और विषयों का लिंक दिया गया है, सभी विषयों की तैयारी इसी तरीके करते रहिए। ऐप का लिंक दिया है, ऐप को डाउनलोड करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।